हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। गौरतलब है कि भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत के उरमोई छावनी मेघालय में शुरू किया गया है। इस सहयोग में मलेशिया की 5वीं रॉयल बटालियन और भारत की राजपूत रेजिमेंट के सैनिक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जंगलों और बाहरी क्षेत्रों जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मल्टी डोमेन संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। हाल ही में कस्तूरी कॉटन के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसमें ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। यह पहल कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और अन्य उद्योग निकायों के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य ब्रांडिंग के माध्यम से भारतीय कपास को विश्व स्तर पर स्थापित करना है। गौरतलब है कि विश्व कपास दिवस यानी 7 अक्टूबर पर कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड लॉन्च किया गया था। हाल ही में शोधकर्ताओं ने उत्तरी कर्नाटक के बोलेकोप्पा गांव में मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति घाटियाना सेंगुइनोलेंटा की खोज की है। आपको बता दें कि केकड़े को इसका नाम लैटिन शब्द सेंगुइनोलेंटा से मिला है। इसका अर्थ होता है लाल या खून के रंग का। अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से 3 केंद्रीय योजनाओं का विलय करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। इन 3 योजनाओं में शामिल हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना और बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना। गौरतलब है कि पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास, SC बहुल गांवों में अवसंरचना निर्माण और सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के माध्यम से रोजगार सृजन करना है। हाल ही में स्टेट ऑफ द एनर्जी यूनियन रिपोर्ट 2023 जारी की गई जिसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2022 की तुलना में 3% की कमी की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने 2030 तक 55% शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस नियम के विपरीत वैज्ञानिकों ने मानव शुक्राणुओं की गति में एक अपवाद की खोज की है जिसमें यह पाया गया कि शुक्राणु एक विशेष गुण के कारण अपने परिवेश से प्रतिक्रिया किए बिना तैर सकते हैं। यह गुण शुक्राणुओं और कुछ शैवालों के द्वारा न्यूटन के तीसरे नियम को चुनौती देता है और साथ ही एक तकनीकी क्रांति का रास्ता भी तैयार करता है जिसे आधार बनाकर ऐसे रोबोट बनाए जा सकते हैं जो कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अधिक कुशलता से आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत 49 पदक जीत चुका है जिसमें 11 स्वर्ण, 15 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 73.29 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि 17 खेलों में 303 एथलीट्स के साथ भारत का लक्ष्य 2018 के 72 पदकों के अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है। साधना एस नायर ने हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल की है जिससे वो इस पद पर पहुंचने वाली मेडिकल विंग की दूसरी महिला अधिकारी बन गई। आपको बता दें कि उनका शानदार करियर दिसंबर 1985 में शुरू हुआ। यह पदोन्नति न केवल उनके समर्पण को उजागर करता है बल्कि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हुए भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर भी जोर देता है, जो मेडिकल शाखा में यह रैंक हासिल करने वाली पहली महिला रही है। जापान में ट्रांसजेंडर लोग बिना सर्जरी के आधिकारिक दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवा सकेंगे। जापान के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। दरअसल ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक दस्तावेजों में अपने लिंग आधारित पहचान बदलने के लिए प्रजनन अंगों को हटाने की जरूरत होती थी जो अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध एक प्रथा थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 में भारत से सबसे अधिक माइग्रेशन OECD देशों की तरफ देखा गया।
नवीनतम आंकड़ों के आधार पर OECD देशों में माइग्रेशन के मामले में भारत शीर्ष पर है, उसके बाद चीन का स्थान है। इसके बाद OECD देशों की नागरिकता पाने की सूची में भी भारत टॉप पर है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने नैनीताल जिले में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस बांध का निर्माण नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर किया जाएगा। इस परियोजना में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अतिरिक्त सिंचाई की परिकल्पना भी की गई है। अभी हाल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया, जो कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की पहली परियोजना है। इस टनल को हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित किया गया। इस वर्टिकल विंड टनल को सशस्त्र बल के कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को निखारने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चर्चा में आ गया है। उन्होंने इस कॉरिडोर को इसराइल हमास के बीच जंग की संभावित वजह बताया। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान की गई थी। इस प्रोजेक्ट में दो अलग अलग कॉरिडोर शामिल हैं। पूर्वी कॉरिडोर भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ेगा और उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर पूरे क्षेत्र में रेल, सड़क और बंदरगाहों के नेटवर्क को एक साथ एकीकृत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से किया। इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें देश भर से 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। ये खिलाड़ी 28 स्थानों पर 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। आपको बता दें कि गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी ICN के संचालन समूह का सदस्य बन गया है। भारत पहली बार संचालन समूह का सदस्य बना है और यह सदस्यता 2 साल के लिए होगी। संचालन समूह ICN का शीर्ष निकाय है। इस समूह में 18 सदस्य होते हैं। ICN दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा नीति में बेहतर मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने की दिशा में काम करता है। भारत और यूरोपीय संघ ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य इटली, फ्रांस और स्पेन शामिल हुए। यह अभ्यास दोनों पक्षों के बीच बढ़ते समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना और संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून को बनाए रखना है। रिलायंस जियो देश के दूरदराज इलाकों को कनेक्ट करने के लिए जियो स्पेस फाइबर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है। यह भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर सेवा होगी। इस तकनीक के द्वारा उन दुर्गम इलाकों को कनेक्ट किया जा सकेगा जहाँ फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना बहुत जटिल है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।